अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रॉ कोकोनट राइस। इसके एक किलो के हिसाब से बता रही मैं। अब हम एक भगोने में तेल डाल लेंगे। ये 5 से 6 चमचे तेल है, बड़े चमचे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाले, इलायची और ये भी मराठी मुग्गा बोलते, इसको भी ऐड करेंगे। और ये पत्थर का फूल है, बेली और दालचीनी, स्टार एनिस और लौंग। गरम मसाले ऐड कर लेंगे पहले हम तेल में। लौंग, पत्थर का फूल, ये मराठी मुग्गा बोलते इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं इसके, अब हम थोड़े से गरम मसाले तेल में भून लेंगे। एक बड़ा 2 कैरेट और 1 मीडियम साइज की प्याज है ये, 3 से 4 हरी मिर्ची, गाजर और प्याज वे सब अच्छे से भुने गए। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। टू एंड ऑफ स्पून से हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिए। अब अदरक लहसुन को भी हम अच्छे से भुन लेंगे इसके अंदर। बहुत ही टेस्टी बनता है ये राइस, आप लोग भी एक बार ट्राई। गीला उठा लेगा कि नहीं? कितने ग्लास है इसमें से? 4 ग्लास है, 8 ग्लास डाल, 1 की 2। 4 गिलास चावल को हम, ये 4 गिलास चावल को हम 8। इसका मिल्क पूरा सूख गया। अब हम इसे नीचे ऊपर करके दम पे रख देंगे थोड़ी देर। दम पे रख के डिश आउट करेंगे। ये सेम बघारे खाने के सर का या खिचड़ी के सर का छे, इसको भी अधन नहीं रहता, इसको सीधा डायरेक्ट मिल्क ऐड कर दिए। अब हम थोड़ी देर के बाद डिश ऑफ करेंगे। खाना पक के रेडी हो गया, सब दम हो गया खाना। अब हम इसे डिश ऑफ करें। रॉ कोकोनट मिल्क का राइस बन के रेडी हो गया। इसे आप लोग चिकन करी या मटन करी के साथ खाए तो बहुत टेस्टी रहता। आप लोग भी इसे एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी सा राइस है ये। अगर आप लोगों को ये रॉ कोकोनट मिल्क राइस की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छी अच्छी डिशेस के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।